तो देर से बनो लेकिन कुछ बनो ज़रूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछने लगते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक, स्वागत है आपका टेक्निकल श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप टी शर्ट डिज़ाइन करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। या फ्रेंड, मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने सन फ्रॉक के बारे में बताया था कि कैसे आप टी शर्ट डिज़ाइन इसमें कर सकते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही कि उसका सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, जिसकी वजह से ऑनलाइन डिज़ाइन उसमें नहीं हो पा रही। लेकिन मैं आपको बिल्कुल वैसे ही एक दूसरी वेबसाइट लेकर आ गया हूँ जिससे आप लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर और आपका लक भी होना चाहिए। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। और प्लीज़ यार दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना आप दोस्तों। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मतलब कि एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप भैया कॉपी करते हो, इनकी कॉपी करते हो वीडियो, इनकी कॉपी करते हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपका फ्रेंड अपने पैरों पे चल रहा है और आप भी अपने पैरों पे चल रहे हो, तो क्या आप उससे ये कहोगे कि तू मेरा कॉपी करके अपने पैरों पे क्यों चल रहा है? तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जैसे कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो दूसरा भी खाना खाएगा तो वो क्या उसकी कॉपी कर रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा काम है आप लोगों को बताना, तो मैं बताऊंगा चाहे मुझे कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिले या कहीं से भी मैं इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस प्रकार के डैशबोर्ड में आ जाओगे। आपको उस पर ही क्लिक कर देना है। अब देखिए ये वेबसाइट कैसी है। बेसिकली इस वेबसाइट का नाम है टीस्प्रिंग। इस वेबसाइट का नाम है टीस्प्रिंग, अमेरिका में बेस्ड वेबसाइट है। और मतलब कि इससे बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं वो लाखों करोड़ों रुपए यहाँ से कमा रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ही ऐसा है। वो उनकी ऑडियंस रहती है ज़्यादा, तो वो मतलब इसकी जो है एफिलिएट लिंक वगैरह भी बना के यहाँ से पैसे कमाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ से क्या करना है, कैसे कमाना है, वो मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आप मतलब इसमें बात कर लेते हैं हम कि साइनअप प्रोसेस के बारे में कैसे करना है। तो देखिए मैं आपको फटाफट करके बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। तो यहाँ पे लॉगिन या साइनअप का बटन मिल रहा है, तो जैसे लॉगिन का बटन मिल रहा है, हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्रेंड साइनअप का ऊपर बटन मिल जाएगा एक, हमें हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पे ये साइनअप लिखा हुआ है, तो अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। साइनअप के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा आपका ईमेल एड्रेस डालने के लिए, और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे कंफर्म कर देना होगा। इस पर क्लिक करके आपको साइनअप नाउ पे क्लिक कर देना होगा। चलिए मैं कर देता हूँ फटाफट। देखिए फ्रेंड, फिर जैसे ही आप इस पर कैप्चा वाले पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको इसको जो है वेरीफाई कर देना है। देखिए यहाँ पे ये क्रॉस वॉल पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं और देख लेते हैं ये हो रहा है या नहीं वेरीफाई। तो फ्रेंड अब कार की इमेज आ रही है, तो हम यहाँ से जो भी जहाँ पे भी हमें कार दिख रही है उसको हम वेरीफाई कर देते हैं। देखिए फ्रेंड ये वेरीफाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइनअप के ऊपर क्लिक कर देंगे, बेसिकली हमारा जो साइनअप प्रोसेस है वो लगभग हो जाएगा। यहाँ से हम पासवर्ड को सेव कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट एंड सेल। क्रिएट एंड सेल के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए आपके सामने इतने सारे ऑप्शन खुल गए, तो आपको क्या करना है, आपको केवल यहाँ पे डिज़ाइनर के ऊपर ही क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड, डिज़ाइनर के ऊपर आपको क्लिक कर देना और कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आ रहा है कि मतलब आपका स्टोर नेम क्या रखना चाहते हैं, तो मैं रख देता हूँ इस पर कोई भी एक स्टोर का नाम रख देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर नाम रख दिया एक वर्ल्ड इंटरनेशनल। तो आप जो भी चाहें वो आप रख सकते हैं अपने मन मुताबिक। इसके बाद आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू के ऊपर। अब देखिए फ्रेंड, अब हमारा जो है वेलकम टू योर न्यू स्टोर, हमारा स्टोर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है वर्ल्ड इंटरनेशनल, जो हमारा स्टोर का नाम है। अब आपको पहले प्रोफाइल को कम्प्लीट करना है। वो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है देख सकते हैं, मैं ब्रश से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना, गो टू बैक डैशबोर्ड, बैक टू डैशबोर्ड। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, अब आपको यहाँ पे जाना है और अपनी प्रोफाइल को जो है कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। देखिए आप यहाँ से आएंगे तो आपको इस लाइन में नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। तो सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको पब्लिक नेम, तो पब्लिक नेम में आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड
इंटरनेशनल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्ल्ड इंटरनेशनल। आपको फ्रेंड यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर कंपलसरी डालना ही है, आप डाल दीजिए जीरो लगा के। और डाल देने के बाद आपको क्या करना है, डू नॉट शो स्लाइड काउंट एट ऑल, इस पर आपको कुछ भी नहीं करना है छेड़छाड़। अब आपको क्या करना है, चेंज यूअर आई डी, मतलब यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल देना। जैसे कि मैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह एक सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, फिर आपको आएगा ऐसा लिखा आएगा कि एड्रेस नॉट वेरीफाइड, क्लिक हियर टू चेंज एड्रेस। तो आपको इस पर पहले नंबर क्लिक कर देना है, तो आपका ये जो एड्रेस है वो वेरीफाइड हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना जिप कोड, देखिए फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस आ गया स्ट्रीट, और इसके बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जो सेलेक्ट सिटी कर सकते, तो मैं अपनी जो सेलेक्ट मतलब सिटी है वो यहाँ से एंटर कर देता हूँ। देखिए मैंने सिटी एंटर कर दी। अब यहाँ से आपको स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आया तो आप डाल दीजिए। और यहाँ से मैं जो है जिप कोड यहाँ से एंटर कर देता हूँ। देखिए जिप कोड मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे इंडिया ने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ही लिया। एंड यहाँ पे आप टाइम जोन चाहें तो सिलेक्ट कर सकते, वरना यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, सब कुछ जानकारी बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से ऐसे ही भरना है, और अपडेट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से जो है एड्रेस देखिए फिर से फ्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से जो है देखिए फ्रेंड यहाँ से सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, क्योंकि आपको चेंज एड्रेस पे क्लिक कर देना है। यदि नहीं होता, देखिए फ्रेंड मैं अपडेट करके फिर से बता रहा हूँ, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये नीचे जो लिखा है इसके ऊपर करेक्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपका ये जो है देखिए ऊपर लिखा आ गया सक्सेसफुली अपडेट फ्रॉम यूर प्रोफाइल, देख सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए अब हम चलते हैं इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह, देखते हैं कैसे क्या करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड, आपकी जहाँ पे आईडी लिखी है वहीं पे आपको उसी के बगल में लिखा हुआ होगा स्टार्ट डिज़ाइनिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा कि आपको मतलब कौन से प्रोडक्ट वगैरह चाहिए। तो हम यहाँ से जो है यहाँ से स्टार्ट डिज़ाइनिंग करने वाले हैं अब। चलिए तो बेसिकली हम इस टी शर्ट वगैरह पे जो है करने वाले हैं, तो इस पर हम जैसे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे फिर आ जाएगा फ्रेंड स्टार्ट डिज़ाइनिंग का हमारे पास ऑप्शन। तो देखिए हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है स्टार्ट डिज़ाइनिंग, तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आ रहा है वाई और एक आ रहा है सेल, तो हमें जो सेल है हम क्योंकि यहाँ पे बना के बेचने आए हैं, तो हमें सेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, अब हमारे सामने एक सिंपल सी टी शर्ट जो है ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अब आपको आना है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड आपको आना है यहाँ पे नीचे, और ये आपको थ्री लाइन वगैरह दिख रही है, इन पर आपको क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, अब बात आती है कि इसमें जो है हमारे लिए मतलब कैसे ऐड करना है लोगो वगैरह, वो भी मैं बताऊँगा कितना प्रॉफिट मिलेगा, बने रही इस वीडियो में। देखिए एड इमेज के ऊपर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ये टेक्स्ट का है, आप इस टेक्स्ट भी मतलब ऐड कर सकते हो। तो ऐड इमेज के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो आपको वहाँ से सेलेक्ट कर देनी। देखिए मैंने एक फ़ोटो यहाँ से पहले से मतलब बना के रखा था लोगो, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि यदि आप चाहें, देखिए पहले नंबर तो मैं आपको टी शर्ट दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, तो देखिए गाइज आपको यहाँ पे अगर आपको देखिए फ्रेंड यदि मतलब आपका जो साइज बोले यदि कि यहाँ पे साइज स्मॉल है, तो आप जिस भी साइज से लोगो बना रहे हैं आप उसे थोड़ा बड़ा बनाइए। देखिए फ्रेंड मैं बता देता हूँ आपको मैं कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ। बेसिकली आप चाहें तो लोगो मेकर भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने अभी इस ऐप से जो है यहाँ पर लोगो डिज़ाइन किए थे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, क्रिएट न्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए कस्टमाइज साइज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है 2500 और 2500 इतना आपको सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे एक जो ये है रिसाइज कैनवास के ऊपर आपको क्लिक कर देना। तो इससे आप जो भी लोगो बनाएंगे, यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि कैसे लोगो बनाते हैं, तो यदि वो आप अपने वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। मैंने बेसिकली वो सनफ्रॉक के मतलब जो वेबसाइट बताई थी, तो उसी में मैंने वो वीडियो इंक्लूड कर दिया था। तो फ्रेंड आप यहाँ से जो है यहाँ से लोगो वगैरह जो भी आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से जो नाम वगैरह लिख सकते हैं। आप इतने तो इंटेलिजेंट हैं, आप सब कुछ कर लेंगे। तो आप चलते हैं अपने टी स्प्रिंग वेबसाइट में। देखिए फ्रेंड,
तो ये मैंने एक योगा जंक्शन नाम से जो है मैंने यहाँ पे एक लोगो बनाया था। अब हम क्या करेंगे कि इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं टी शर्ट का। तो देखिए कैसे कर सकते हैं वो, यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है इस तीन डंडी पे। तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए आपको प्लस का चॉइस प्रोडक्ट जहाँ पे लिखा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक प्लस का एक आइकन दिख रहा होगा, आइकन पे आपको क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो आपको यहाँ पे अलग अलग कलर वेरिएंट आ जाएंगे इसके। तो आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें आप कह सकते हैं, आपके वो कलर यहाँ पे जो है चॉइस हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने इतने सारे कलर यहाँ पे चॉइस कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, ये ऑटोमेटिक डन, देखिए आप यहाँ पर डन का ऑप्शन आ रहा है नीचे, तो मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड यहाँ पर डन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपके इस डन के ऑप्शन पर आपको डन कर देना है और यहाँ पे जो है आप कंटिन्यू कर देना है। देखिए फ्रेंड पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कितना मार्जिन मिलेगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ये टी शर्ट का प्राइस है $21, $21 मतलब $22 है समथिंग अराउंड। तो $22 में से आपको $11.50 यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब 50% आपको यहाँ से कमीशन मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड कितने अच्छे यहाँ से जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे आपको डिज़ाइन करने का एक तरीका है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैसे आप यहाँ से जो है ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड कि आपको, आप ऐसा कीजिए कि जब भी यहाँ से आप कुछ डिज़ाइन बनाते हैं तो आप यहाँ से डेली कुछ ना कुछ डिज़ाइंस वगैरह अपलोड कीजिए और न्यू डिज़ाइन बना के अपलोड कीजिए। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं यहाँ से जो है डेली 5 डिज़ाइन अपलोड करूँगा, तो ऐसा हो सकता है कि 1 महीने के अंदर ही आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकें यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड अब हम यहाँ इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। फ्रेंड देखिए मेरा लोगो यहाँ से जा चुका है ऑटोमेटिक, वो नहीं आ रहा मुझे पता क्यों चला गया। यदि आपका भी ऐसे ही चला जाए तो फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड यदि आपका भी लोगो चला जाए तो आपको फिर से इस पर आना है और फिर से आपको लोगो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाता है। चलिए मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड लोगो मैंने फिर से ऐड कर दिया है, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड मैंने कंटिन्यू यहाँ पे कर दिया है, अब यहाँ पे जो हमारा लोगो है देखिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आ चुका है और इस वेबसाइट ने जो है ऑटोमेटिक ही यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर और बहुत सारी जो टी शर्ट हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे इसने लोगो को ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ से। तो देखिए आपके मतलब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है ये लोगो, तो देखिए आप बढ़िया लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप चाहें तो एक से एक बेस्ट डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है एडिट मेडिट कुछ नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे क्या करूँगा सिंपली इसको जो है कंटिन्यू यहाँ पे कर दूँगा मैं। देखिए फ्रेंड आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको एड स्टाइल के ऊपर क्लिक कर दे, मतलब सेलेक्ट स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और सेलेक्ट ऑल मतलब जितने भी आप चाहते हैं कि ये एडिट मतलब कंटिन्यू करें, तो आपको इतने स्टाइलों पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप चाहें तो उनको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि लोडिंग होती है, मतलब हमने सब प्रोजेक्ट पे लगाया है इसको, तो मतलब थोड़ा टाइम लगता है प्रोजेक्ट पे अप्लाई होने के लिए, थोड़ा आप वेट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड फिर आपको नीचे आएंगे आप, तो आपको एक डन का बटन मिल जाएगा, तो डन के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डन के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो लोगो है ये बहुत सारे प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिक ही लग चुका है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे होम एंड एक्सेसरीज वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको जो है आप पब्लिश करने वाले हैं, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड अब यहाँ से हम यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। देखिए फ्रेंड आपको यदि कुछ समझ में नहीं आया आपको, देखिए फ्रेंड यहाँ पे इसका, इसीलिए मैं पूरी वीडियो बताता हूँ कि आप कहीं पे भी स्किप मत कीजिए। देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि डन कैसे करें आगे कैसे बढ़ाएं, तो आपको ये 3 लाइन दिख रही है नीचे, तो उन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इन पर क्लिक कर दोगे तो मैं दिखा रहा हूँ फिर आपको कैसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड फिर यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर इस पर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपका जो मतलब प्रोडक्ट है वो आगे बढ़ जाएगा, और यहाँ से थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड क्योंकि ये ऑल प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा लोगो अपलोड कर रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए थोड़ा वेट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से नीचे जाना है और ये 3 लाइन है जो उन पे आपको क्लिक कर देना है,
और यहाँ से देखिए, अब आपको डालना है क्या, अपनी जो मतलब टी शर्ट है उसका टाइटल डालना है। मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप मतलब यहाँ पे सिलेक्ट मतलब देखने वाला व्यक्ति ये चॉइस कर सके कि आपने किस कैटेगरी के ऊपर जो है टी शर्ट बनाई है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मैंने योगा का डाला था तो मैं यहाँ पे योगा टी शर्ट यहाँ पे जो है टाइप कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पे क्या करना है, योगा टी शर्ट, जैसे मैंने योगा के ऊपर मतलब ये टी शर्ट को बेस्ट किया तो मैंने यहाँ पे योगा टी शर्ट डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे आई क्रिएट प्रोफेशनल योगा टी शर्ट लिख दिया है। अब आपको यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आपको नीचे जाना हो पब्लिश एंड लिस्टिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका जो लोगो है, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे ये कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ कैन नॉट बी, तो मैं इसको ओके करके देख लेता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ से जो मैं है इसको फिर से यहाँ पे कर देता हूँ फ्रेंड। चलिए मैं फिर से यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक कर तो देखिए फ्रेंड, आपको यदि ऐसा नहीं हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से डेस्कटॉप मोड की जगह पे मोबाइल मोड पे क्लिक कर देना है, फिर आपकी ये अपलोड हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ से क्या किया, सिंपली वो अपलोड नहीं हो रहा था तो मैंने इसको डेस्कटॉप मोड को हटा के मोबाइल मोड कर दिया और फिर से कंटिन्यू कर दिया, तो ये जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो फ्रेंड देखिए, अब ये अलग अलग कलर में हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, अलग अलग कलर में टी शर्ट है जो ये हमारे पास आ रही है। और यहाँ पे जो है हम फिर से इसको, चलिए अब डेस्कटॉप मोड ही कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप साइड इसको कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें कोई काम नहीं, हम इसको जो है बैक कर देते हैं और अपने जो हमने ऑर्डर तैयार किया उस पर चलते हैं और देख लेते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड, अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको और मतलब ये कैसे पता करना है कि, तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको यहाँ से जो है आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा है योगा टी शर्ट, जो कि मैंने अभी डिज़ाइन की थी वो यहाँ पे हमें जो है दिख रही है। और ये जो है नेक्स्ट प्रिंट मतलब 2 डेज है, वो क्या पता क्या बता रहा। तो यहाँ पे जो है हमारी ये लिस्ट हो चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप इसके एनालिटिक्स भी देख सकते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पे विजिट किया या नहीं किया, दुनिया भर की बातें। देखिए अब मैं बता देना चाहता हूँ कि पेमेंट का सिस्टम क्या है इसमें। तो आपको क्या करना है, आपकी जो जीमेल आईडी है ऊपर, देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो जीमेल आईडी है ऊपर देख सकते हैं आप यहाँ से, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे एक सिंपली, तो यहाँ पे आउट का ऑप्शन या बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आना है नीचे और सेट यूअर पेमेंट एड्रेस, आपको यहाँ से जो है आपका पेमेंट एड्रेस सेट कर देना है। देखिए मैं अपना पेमेंट एड्रेस यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे आपके पेपल का एड्रेस, ईमेल एड्रेस ही डालना है। मतलब जो आपने पेपल अकाउंट बनाया होगा उसमें आपको ये एड्रेस मिला होगा, तो आपको वो यहाँ से डालना है और सेट पेमेंट एड्रेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो देखिए फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड मैंने कन्फर्म नहीं किया था, तो मैं इसको जो है कन्फर्म कर देता हूँ पहले। तो फ्रेंड आपको पेपल एड्रेस है जो दो बार एक जैसा ही डाल देना है, और सेट पेमेंट एड्रेस के ऊपर आपको पेपल एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना। देखिए फ्रेंड यहाँ पे लिखा आएगा, यू विल रिसीव ए मैसेज टू ईमेल यूअर एड्रेस दैट विल नीड टू यूज कन्फर्म द पेपल ईमेल चेंज। तो जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से कन्फर्म हो चुका है। तो अभी क्या होगा, अभी हमारे पास एक मेल आया होगा, तो हम चलिए पहले तो मेल देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए मेल आया होगा तो हमारे लिए क्या करना है कि उस मेल को जो है हमारे लिए क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे जो है क्लिक कर देता हूँ, उस मेल को वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मुझे मेल आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये। तो मैं इस पे जो है क्लिक कर दूँगा, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से जो है क्लिक हेयर टू मतलब यहाँ से मेरा अप्रूव हो जाएगा। तो क्लिक हेयर के ऊपर मैं यहाँ से क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरा जो पेपल एड्रेस है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुली अपडेट यूअर पेपल एड्रेस। तो देखिए फ्रेंड अब मेरा जो पेपल एड्रेस है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, अब मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से आइए, डिज़ाइन अपलोड कीजिए और अर्निंग कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
bye, 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 bye.